कुमार बावरी जी, उपायुक्त जी, एसपी साहब और जितने भी सारे एमएलए यहाँ पे मौजूद हैं, सबको हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे चंदन क्यारी और मोलकी के वासियों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए, आज आखिरी दिन है, मेरा मन ऑलरेडी उदास हो चुका है, पर इस उदासी को हम लोग दूर कर सकते हैं जी खोल के, परिपूर्ण तरीके से एंजॉय करके आज की इस शाम को आप सबके साथ शुरू करेंगे हम लोग आज का दिन। और साउंड चेक हो रहा है पीछे, जैसे आप देख पा रहे हैं, भारत परिपूर्ण है बहुत सारे कला और बहुत सारे कल्चर्स के साथ। और ये जानते हुए हमें कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि भारत के हर कोने में कला और बहुत अनोखी कला छुपी हुई है, जो हम लोग आज आप सबके सामने पेश करेंगे। एक ऐसी कला जो सिर्फ नई नहीं है, बहुत आधुनिक और बहुत हमारे पूर्वजों को और हमारे पुराने ज़मानों को महाभारत, रामायण, ये सारी चीज़ें दर्शाती है। एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोग आप सबके सामने लेके आने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन पांडवी गायिका। पांडवी कहे तो छत्तीसगढ़ में महाभारत को पांडवी कहा जाता है, और अगर उन्हें हम गायिका कहें तो ये शब्द बड़ा ही छोटा होगा, क्योंकि उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा गया है। पढ़ी लिखी तो नहीं है, पर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्हें डॉक्टरेट का खिताब मिला है। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसी गायिका यहाँ पे आने वाली है, यहाँ पे प्रस्तुत होने वाली है। सिर्फ गायिका नहीं, नृत्य के और एक्टिंग के कला से वो आप सबको एक खूबसूरत सी पेशकश करेंगी, महाभारत की पेशकश। और ये जो पर्व है, ये होगा करण वध की प्रस्तुति। कर्ण का जो वध हुआ था, उसकी प्रस्तुति गीत के माध्यम से और एक्टिंग के माध्यम से आपको पेश करेंगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करते हैं स्टेज पे डॉक्टर श्रीमती तीजन बाई जी को, जोरदार तालियों के साथ सभी साथ में मिलके। Thank you.
छोटों को आशीर्वाद। पहला बार है या देहात के ओर आने का मुझे अवसर मिला। धन्य मेरे भाव, जहाँ भैरवनाथ के मंदिर है वहाँ हमें आने के लिए निमंत्रण दिए गए। हालांकि थोड़े बड़े कष्ट तो उठाते, कलाकार की जिंदगी कष्ट ही सहना और चलना ही हमारे जीवन में एक जीवन के एक संघर्ष है। ये करते हुए हम आप लोगों के सामने आए हैं। रहा सवाल बोली या भाषा अलग अलग, मैं छत्तीसगढ़ की हूँ और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की बोली बिहार की बोली मिलती जुलती तो है पर समझने में थोड़ा सा गड़बड़ होती है, तो समझ नहीं आए तो भी हमें छोटे समझ कर क्षमा कर देना। सबसे अहम बात हम आपको बताते हैं, हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, अंगूठा छाप है। ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, हकीकत कह रही हूँ। आप पढ़े लिखे हो, महाभारत काल की कथा हमारे पूरे भारत को मालूम है और महाभारत भारत में हुए हैं, ज़्यादा दूर नहीं, कुरुक्षेत्र मैदान दिल्ली के पास। जितनी यह कहानी हुई वो हमारे आसपास दिल्ली के नज़दीक ही में सब काम हुआ। ये हमारे छत्तीसगढ़ बहुत दूर है पर भी भगवान ने हमें छोटे से प्रसाद दिए आप लोगों के सामने पेश करने के लिए, तो चले हम कुरुक्षेत्र मैदान आपको ले चलते हैं, जहाँ कर्ण अर्जुन के लड़ाई और कर्ण को किस लिए मारा जाता है, किस लिए उसको मतलब एक धर्म के तहत रक्षक और दूसरा तरफ अधर्म, ये धर्म अधर्म की लड़ाइयाँ तो है ही है पर कर्ण और अर्जुन एक ही माँ के पुत्र हैं, पर भगवान कृष्ण जी अर्जुन के साथ किए, कर्ण को अकेला छोड़ दिए। ये कहानी आप लोगों के सामने हम पेश करने जा रहे हैं। समझ आए तो भी बैठे रहना, नहीं समझ आए तो भी बैठे रहना। बजाऊं तो दुनिया में कर्ण का आना है। चिल्लाए कर्ण दानी बोले, सुनो
घोड़ा वाले घोड़ा, गजेंद्र वाले गजेंद्र, पैदल वाले पैदल, और रथ वाले रथ तैयारी करो। आज्ञा। आगे आगे रथ, मेरे चले मेरे पीछे सारी सेना। राजा के राज में रहना है तो हाँ जी कहना है। वो तो है। करने के बाद सुनकर किसी के मन में इनकार ना रहे। चल कर करना दानी राजा सल ले ले कहे मामा। अरे तय का बोकर बोकर देख रहे थे का मुरहरा था ये साजा। सभा नहीं देता करण, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहीं ना कहीं से आपके सामने लाएंगे। पर भी करण के अरे मती तो ठिकाना में ना रहे, चिल्ला के कहे अर्जुन कहाँ हो। भीष्म पितामह गुरु द्रोणा के हाथ से बच गए, पर आज मेरे हाथ से बचाने के लिए वरुण कुबेर इंद्र भी आ जाए आपके प्राण बचना मुश्किल होगा। तब कदारी भगवान कृष्ण जी करण के आगे अर्जुन ले पहुंचा दिन, तो लोग कहे अरे बड़े भैया आगे भैया गया आगे, आगे। कर्णदानी बोले अर्जुन मैं तो आपके साथ लड़ने ही आया हूँ, पर भगवान कृष्ण से भी कुछ कहना है। भगवान बोले बोलिए। हे कन्हैया हे गिरधारी, आज मेरे हाथ से बचाने के लिए क्या हाँ आज मेरे
प्रयास करना, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। अरे एक बात सुन लो मोहन, जब तक अर्जुन के साथ मैं लड़ाई करते रहूं तब तक अर्जुन को किसी जगह नहीं हटाना। भगवान कहे ठीक है, डरल तोरी के पन मरोगे, समझ गए ना? लड़ना है नहीं तो मरना है। अरे मरना तो है पर अभी ले मर जाना उचित नहीं, इसलिए कहीं भग के जा। का बताओ भाई, बोलेगा भाई ये देखी, का बताओ भैया ऐसे का राजा बोलते भाई ये देखी। बोले भैया तोल राजा मोरा बोलेगा भाई ये देजी। ये लड़ाई देखकर काहे जो हमारे दिल में डर बैठे हैं वो हटना मुश्किल होगा, क्योंकि छोटे छोटे बीबी बच्चे हैं, राजा के सामने हम कुछ नहीं कह सकते। और ये तरीका यदि लड़ाई होती रहेगी तो आने वाले परले आगे ना हो जाए। अरे सुना के सैनिया भाग जा, बुरा नहीं रहेगा वाई भैया पर बोलेगा भाई ये देनी। डर लगा थे